हेलो गाइज, मेरा नाम है कार्तिक मौर्य। आज हम बताने जा रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो हम वीडियो को करते हैं शुरू प्रिपरेशन से बनाने की विधि। सिर्फ हम रिएक्शन बताएंगे। तो हम सल्फर की को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करेंगे तो हमारा SO2 गैस बन जाएगी। अब 2 मोल लेंगे सल्फर के। दूसरी रिएक्शन, अगर हम जिंक सल्फाइड की को O2 का ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम O2 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें SO2 गैस प्लस ZnO जिंक निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड निकलेगा। अब हम बैलेंस से कंप्लीट करते हैं तो 3 मोल्स लेंगे O2 के और 2 मोल्स हो जाएंगे जिंक सल्फाइड के। तो हमारा ZnO जिंक ऑक्साइड के 2 मोल्स हो जाएंगे और SO2 गैस निकलेगी जिसके उसके भी 2 मोल्स होंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर, इसका क्या कलर होता है, ऑर्डर, इसका गंध कैसी होती है, टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्युबल, ये किस के संग सॉल्युबल होगा। तो हम ऑर्डर में ए कलर में कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डर में ऑर्डरलेस, और ना इसमें टेस्ट कोई होता है तो टेस्ट लेस हो जाएगा, इसमें सब लेस ही है। और जो सॉल्युबल है उसमें वाटर में और एल्कोहल में सॉल्युबल है। फिर हम इसी बताते हैं केमिकल रिएक्शंस। ये किन किन के साथ मिलके केमिकल का निर्माण करेंगी या बनाएंगी। तो हम केमिकल रिएक्शन में SO2 की रिएक्शन आयोडाइड, आयोडीन प्लस H2O को लेते हैं। आयोडीन आयोडीन के संग कराते हैं तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड और H2SO4 निकलेगा। इसमें 2 मोल्स हमारे H2O के होंगे। दूसरी रिएक्शन बताते हैं जो पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड KMnO4 की रिएक्शन SO2 से कराते हैं वाटर की उपस्थिति में। तो हमारा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और MnSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और हमारा H2SO4 निकलेगा जिसके 2 मोल्स होंगे H2SO4 के, 2 होंगे मैग्नीशियम सल्फेट के। हम 5 मोल लेने पड़ेंगे SO2 के और 2 मोल लेने पड़ेंगे H2O के और 2 मोल पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी कंप्लीट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियोज़।